देखो अगर आप लोगों को लग रहा है कि ना गोकुल अनसेफ जगह, तो हम सुपर बाइक लेके जा रहे हैं। सेफ तो जगह है पूरा सारा अपना काफिला। हम लोग मोती बाग के बाहर खड़े हैं, निकल रहे हैं अपना आगे, अपने साथ जा रही है चार सुपर बाइक। मैं गलती से ना 7-8 किलोमीटर आगे निकल गया था, पर ज्यादा जाता तो मतलब सीधे जा तो आगरा के वहां जाना पड़ता, और आगरा का कट वहां से 30 किलोमीटर आगे था। क्या हाल है सबके, आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। हमारी वैष्णो देवी की सीरीज खत्म हो चुकी थी, आई होप आप सबने देख ली होगी और आप सबने बहुत ज्यादा प्यार भी दिया सीरीज को। और जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी का प्लान कुछ ऐसा, हम निकल रहे हैं एक और अपनी ट्रिप पे, बहुत मज़ा जिंदगी हो गई यार। पहले पिछले टाइम से बता रहा हूँ, बैक टू बैक मुक्तेश्वर गया, मतलब पहले पिछले टाइम से बता रहा हूँ आपको अपना, पहले मुक्तेश्वर गए, मुक्तेश्वर से आने के बाद सीधा अपना वृंदावन की ट्रिप पे निकले, वृंदावन से आने के बाद सीधा हम लोग वैष्णो देवी की ट्रिप के लिए निकले, वैष्णो देवी की ट्रिप से आने के बाद अब हम आज निकल रहे हैं फिर से अपनी ट्रिप पे, बाइक ट्रिप पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। कहाँ जा रहा हूँ सब बता दूंगा गेरा बने के बाद, तो चलो पहले गेरा बोल दो, तब तक ये थोड़ा वेट कर लो। हाँ तो भाई तुम्हारा डाकू रेडी है एकदम जाने के लिए, अपने कैमरा वगैरह सेट कर दिया हमने प्यारे हेलमेट में, और बाकी बाला क्लावा भी पहन लिया हमने। जो लोग राइड वगैरह करते हैं, जो ट्रिप वगैरह करते हैं लॉन्ग, उनको तो पता होगा बाइकर को बाला क्लावा लॉन्ग ट्रिप पे कितना जरूरी होता है। जिनको नहीं पता उनको बताया तो, ये जो पसीना वगैरह आता है हेलमेट पे थोड़ा लॉन्ग ट्रिप में अनकम्फर्टेबल सा रहता है, उसके कारण इससे बचा लेते हैं, पूरा कवर रहता है तो बहुत कम्फर्टेबल रहती है चीज़। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती जब मैंने पहना था बट लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बातें आपसे रास्ते में कर लेंगे। चलो चलते हैं फिर। हाँ तो मित्रों हम लोग जा रहे हैं आज, कहाँ पे जा रहे हैं गोकुल, अनएक्सप्लोर जगह बाइकर्स के लिए। वैसे तो बहुत लोग जाते हैं बाइकर्स वो जगह घूमते हैं, हम भी गोकुल जा रहे हैं, गोकुल घूमिए हमारे साथ, बहुत मजा आएगा, बने रहिए वीडियो में पूरा। चलो चलते हैं गोकुल के लिए अपना। चलो एक पहले मंदिर में मत्था टेक लेते हैं। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तो चलो यार इसी का शुरू करते हैं अपना ब्लॉग की हालचाल। एक बार फिर से सबको नमस्कार हो, सबको सत श्री अकाल, बहुत दिनों बाद डायलॉग बोला, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो फटाफट हेलमेट वगैरह पहनते निकलते हैं। चलो ये देखो भाई, ये अपना लाइनअप रेडी हो चुका है, CBR खड़ी है, Z800 खड़ी है हमारे पास, ड्रिक्सर भी है, डोमिनार भी है, और मेरे एक्सप्लोर भी है। देखो अगर आप लोगों को लग रहा है कि ना गोकुल अनसेफ जगह, तो हम सुपर बाइक लेके जा रहे हैं। सेफ तो जगह है, और थोड़ा उधर भी जाओ यार, बाइक करो घूमो सब जगह, अच्छी जगह है वो, थोड़ा गाँव का इलाका उनका भी प्रमोट करो, शराबे भी हो गए, थोड़ी अच्छी जगह भी जाओ। सही कह रहे हैं, घूमो अच्छे से, गोकुल जाओ बहुत मजा आएगा, कृष्ण जी के दर्शन होंगे इतने बढ़िया, और क्या चाहिए तुम्हें, बहुत मजा आएगा, तुम भी जाना गोकुल। चलो भाई अभी हम लोग पेट्रोल डलाए हुए हैं, 960 रुपये का तो डल गया, देखते हैं कितने का आएगा। पूरा सारा अपना काफिला, हम लोग मोती बाग के बाहर खड़े हैं, निकल रहे हैं अपना आगे, अपने साथ जा रही है चार सुपर बाइक और 3 नॉर्मल बाइक। टाइम आपका कुछ 7:30 के करीब हो गया है, और हम लोग आपका यमुना एक्सप्रेस वे की स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहाँ से चढ़ चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे हम लोग, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है यमुना एक्सप्रेस वे आपका, और बाकी सूरज भी आ ही गया हमारे सर पे, देखो कितना बढ़िया सा स्काई लग रहा है सामने, ऑरेंज ऑरेंज सा थोड़ा, और यहाँ से थोड़ा ही दूर होगा, मज़े मज़े में मस्ती करते पहुँच जाएंगे सुपर वाइब गया, तो सबको बहुत मज़ा आने वाला है। वेलकम टू यमुना एक्सप्रेस वे दोस्तों, यमुना एक्सप्रेस वे यहाँ से शुरू हो चुका है, और यहाँ से चलेंगे पेरम पेल, 100-120 किलोमीटर रन होगा यहाँ से, तो चलो चलते हैं। अभी मैं रोनू करण आगे आगे रुक गए हैं, बाकी सब लोग थोड़ा पीछे रह गए हैं, तो उनका थोड़ा वेट करते हैं। पता नहीं कहाँ यमुना एक्सप्रेस की स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से रुके हैं वो लोग, पता नहीं कहाँ रुके हैं, भूषण वगैरह दिख रहे थे, बाकी आएंगे तो बता देंगे आपको कहाँ रुके थे। तो हमने अपना फर्स्ट स्टॉप लेना है आपका अपना जेवर पे, तो चलते हैं जेवर पे, बहुत ही खुली मजेदार सी रोड है, और चलेंगे जेवर अब सीधा। हाँ तो आपका अपना हाईवे मसाला पूछ चुके हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत क्योंकि भूख ले रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, जाएंगे अब यहाँ से सीधा गोकुल डायरेक्ट, ज्यादा नहीं होगा यहाँ से, होगा मतलब 100-120 किलोमीटर, ज्यादा नहीं 170 किलोमीटर, 100 तो हम आ ही चुके हैं, बाकी बचा होगा तुम्हारा 100 किलोमीटर और। चलो चलते हैं देखते हैं। तो चलो अपना ब्रेकफास्ट डन हो चुका है, निकलते हैं आगे यहाँ से, यहाँ से वापस दुर्गेश भी और धीरज भी वापस जा रहे हैं,
क्योंकि दुर्गेश भैया को कुछ काम आ गया, धीरज भैया की थोड़ी कवर में भर है, वो आगे राइड कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो वो दोनों वापस आ रहे हैं, बाकी हम लोग आगे निकल रहे हैं। तो चलो निकल चुके आपका अपना हाईवे मसाला से, शाह करते हुए जाएंगे अब यहाँ से, आराम से 8:30 हो रहे हैं, आराम से 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। कसम से बता रहा हूँ यार, जेवर तक का जो रास्ता ना बढ़िया है, लेकिन तो जेवर के बाद का रास्ता ना एकदम बेस्ट है, एकदम बेस्ट रास्ता, क्या कहना है, इतना मजेदार। अभी हम लोग जेवर के नेक्स्ट टोल पे, चलो निकलते हैं यहाँ से आगे अपना। टोल से निकलने के बाद सब लोग अलग हो गए थे, मैं सबकी वीडियो बनाने के लिए रुका था तो मैं पीछे रह गया था, सारे अलग हो गए थे और मैं गलती से ना 7-8 किलोमीटर आगे निकल गया था, तो मैंने कहा चलो 7-8 किलोमीटर आगे रॉन्ग साइड ले आते, तो मैं रॉन्ग साइड ही बाइक ले आया 7-8 किलोमीटर। अगर ज़्यादा जाता तो मतलब सीधा जाता तो आगरा के वहाँ जाना पड़ता और आगरा का कट वहाँ से 30 किलोमीटर आगे था, तो उससे मेरे को यू टर्न ही नहीं था, तो फिर इससे बेटर रॉन्ग साइड ही चला लो, 50-50 आराम से 7-8 पहुँच जाता, बोल रहा हूँ 5-6 ही होगा, इतना आराम आराम से जाके ले आया। अब चल रहे हैं गोकुल की तरफ अंदर, उन्होंने मेरे को लोकेशन भेजी है, चलते हैं लोकेशन पे उनकी। एक और लोकेशन एंड हो गई, पता नहीं कहाँ पे लोग, भाई कहाँ पे हो, हेलो भाई जहाँ पे लोकेशन भेजी थी वो एंड हो गई लोकेशन, वहां से मतलब मथुरा वृंदावन का स्वागत है, ग्रीन कलर का बोर्ड आया भाई, तुम लोकेशन की तरफ जा रहे हो, बंदे ने लोकेशन भेजी उस तरफ, कहाँ भेजो, सीधा सीधा आके वहां से लेफ्ट आएगा गोकुल का, ठीक है, हाँ ठीक है।